berapa biaya nih? Bisa berapa kalau? Sini. Good morning friends. तो आज का मैं अपना ब्लॉग अभी से स्टार्ट कर रही हूँ और क्या सुबह सुबह मुझे हॉस्पिटल आना पड़ा मेरे पापा के मंथली चेकअप के लिए, तो हम लोग कलकत्ता आते हैं और मेरे साथ मेरी मम्मी हैं। मम्मी गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग। हाय बोल दो। हाय। तो अभी पापा को ओटी के अंदर लेके गए हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि पापा को वो लास्ट ईयर हार्ट अटैक हुआ था, उसके बाद से वो उनका कुछ फिजिकली प्रॉब्लम हो गया और यूरिन में प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो मंथली चेकअप में आना पड़ता है। अभी पापा वैसे एकदम फिट हैं पर मंथली चेकअप में आना पड़ता है कि कहीं कुछ यूरिन में या किसी बात में प्रॉब्लम ना हो जाए इसको। और अभी 2 बजे तक इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि 2 बजे तक टाइम लग जाता है पूरा प्रोसेस होने में। सुबह सुबह ही हम लोगों को आना पड़ा। अभी सुबह के 10 बज चुके हैं, हम लोग 9 बजे के करीब आए हुए थे वहाँ। तो बस ऐसे ही चल रहा है अभी। अभी तो दिन की शुरुआत ऐसे ही हुई है पर अच्छा है क्योंकि हमारे घर से बाई ट्रेन कोलकाता आने में 1.5 घंटे लग जाते हैं। एक अच्छी बात यह है कि स्टेशन से बस 2 मिनट के दूरी पर यह हॉस्पिटल है। हमारे रेलवे का ही हॉस्पिटल है, तो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसा दिखता है हमारा रेलवे का हॉस्पिटल। फिर से मुझे गर्मी लग रही है तो आज मैंने ब्लू कलर की कुर्ती पहनी है, साथ में एक ब्लैक कलर का स्कार्फ लिया हुआ है।
घर आ गई हूँ और अभी आकर बैठी हूँ। और आज सारा खाना मेरी सिस्टर ने बनाया है, चेहरा पूरा काला हो गया सर्दी की वजह से। तो पापा आते आते सीढ़ियों से गिर गए, क्योंकि फोर्थ फ्लोर का गेट किसी ने खोल के रखा था, इस वजह से लिफ्ट जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे नहीं आई और हम लोगों को सीढ़ी यूज़ करना पड़ा। इस वजह से मैं तो थर्ड फ्लोर तक आ गई थी और पापा सडनली स्लिप करके गिर गए, पाँव में चोट आई और पूरा ब्लीडिंग भी हुआ। तभी जस्ट ब्लड ब्लड साफ किया मैंने, मैंने मैंने और मम्मी ने मिलकर। और अभी मैं बैठी हूँ, मम्मी गई है नहाने के लिए, फिर मैं जाऊँगी, थोड़ा रिलैक्स कर लूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और पहले जाकर मैं एसी ऑन करूँगी, क्योंकि कहीं से आने के बाद ना बहुत ज़्यादा टायर्ड लगता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और चेहरा पूरा मेरा काला हो गया, आँखों के नीचे एकदम डार्कनेस आ गई है। मुझे फेस पैक यूज़ करना पड़ेगा। और दूसरा रीज़न ये है कि मैं काजल बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, आईलाइनर, काजल, ये सब। मस्करा नहीं यूज़ करती, पर ये दोनों की वजह से ना शूटिंग की वजह से फिर ये ज़्यादा थोड़ा मेल्ट हो जाता है तो बिखर जाता है। और बस तो अब मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँ, उसके बाद बात करती हूँ। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। तो अभी शाम का वक्त हो गया है, हम लोगों ने चाय नाश्ता अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब मैं मार्केट जा रही हूँ और मैंने अभी वो सेम उसी टाइप की कुर्ती पहनी है, बस कलर जो है वो चेंज है, वो ब्लू में था और ये थोड़ा रेड पिंक वाइट और इन सब मिक्सअप में है। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ कपड़े हैं जो मुझे सिलवाने हैं, तो उसके लिए मैं जा रही हूँ, कुछ शॉपिंग करना है, ग्रॉसरी का भी कुछ सामान लेना है। और अभी आभा आई हुई है, बहुत क्यूट सी लग रही है। बहुत क्यूटली स्माइल देती है और बहुत ज़्यादा गर्मी है, सुबह से बहुत एसी चला है, अब एसी नहीं चलेगा तो मैं दिखाती हूँ एसी की हालत। मैंने इसको ऐसे लॉक करके रखा हुआ है और मैंने ये पहना हुआ है, बस इसके सामने से एक स्कार्फ ले लूँगी और एक लगेंस आ जाएगा तो फिर ये हो जाएगा। और बताना प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैं कैसी लग रही हूँ। तो अब मिलते हैं मार्केट में। तो बस मैं अभी मार्केट से आई हूँ, मम्मी पीछे है और मम्मी ट्रेन करेंगे। कहाँ पर डर जाएगी, घुटी तो वहीं पर है, सीढ़ी से चलो। तो थोड़ा मेरी छोटी सिस्टर, उसका निकनेम गुड्डी है, तो वो अभी आभा के घर पे, उसको लेना है वहाँ से। और थोड़ा सुबह से मिले नहीं, हम क्या कर रही है मोच बना के, इश देखना मुझे तो मोच बना है और दुल्हन बनी है, मोच बना है इसका। और इन लोग का एक्ट है, इन लोग मोच बनाई है, लड़का बना दिए, मम्मी उसको चिढ़ा रही है कितना शौक है। और सिंचन देखा जा रहा है, अनुभव सिंचन देख रहा है। जब मैं छोटी थी तब हम लोग सिंचन देखा करते थे, हम लोग बड़े हो गए पर सिंचन छोटा ही रह गया। साउंड कम करना, अनुभव साउंड कम करो ना। तो बस सही चल रहा है, बैठी हूँ बहुत सारा सच में। हाँ हाँ गैस से हो गए, हाँ बहुत गर्म, देख सकते हैं।
ज़्यादा चिल्ला रहे हैं और ये लोग एक्टिंग कर रही है। शर्मा जी वाला एक्ट शुरू कर रहे हैं। तो मैं मेरा आज का ब्लॉग यही एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा कुछ तो आज नहीं था, फिर भी जो भी था मैंने दिखाया आप लोगों को। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।